अखंड सौभाग्य की हरतालिका 30 सोमवार को मनाई गई। पति के दीर्घायु होने और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से हरतालिका 30 का व्रत सुहागन महिलाएं रखती है। बेटमा में भी कई मंदिरों में इसका आयोजन किया गया। वहीं भव्य शाम कीर्तन भजन संध्या का भी आयोजन अंबेडकर चौराहे पर किया गया, जहां देर रात तक भक्त भजनों पर थिरकते रहे। माता पार्वती की तरह युवतियां भी मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत रख सकती है। यह निर्जला व्रत होता है जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। इंदौर और मालवा क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से मनाया जाता है। बेटमा में भी हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने नगर के राधा कृष्ण मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सहित कई स्थानों पर फुलेरा सजाया था, जहां उन्होंने रात भर जागरण करके श्रद्धा पूर्वक शिव आराधना की और पूजा पश्चात अल सुबह बहते पानी में उसका विसर्जन किया गया। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तीज हिंदू पर्व त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसको प्रत्येक हिंदू स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए और दीर्घायु के लिए मनाती है। इसको माँ पार्वती ने अथक तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था, तो हर एक स्त्री यही चाहती है कि माँ पार्वती और शिव जी के प्रकार हमारी जोड़ी बनी रहे और हमारे जो पति है दीर्घायु प्रदान करें। इस रूप में इस व्रत को बनाते हैं और इसमें निर्जल रहा जाता है, 24 घंटे के लिए निर्जल रहता है। रात्रिकालीन जागरण होता है, रात भर महिलाएं संगीत के साथ में गीत वगैरह का गान करती है और रात्रिकालीन जागरण करने के साथ सुबह प्रातः 5 बजे फिर इसका समापन होता है। नदी के किनारे पर जाकर जो भी हमने शिवलिंग वगैरह बनाया है उसको विसर्जन करने के बाद ही फिर कुछ आहार लिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।